नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। इंसान के शरीर की संरचना ऐसी की गई है कि अगर शरीर का कोई छोटा भाग भी खराब हो तो परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन अगर पीड़ा ज्यादा हो तो फिर जीना मुहाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही एक दर्द घुटनों का भी है। अक्सर ये दिक्कत बूढ़े बुजुर्गों में देखी जाती है, लेकिन अब ये परेशानी नौजवानों में भी देखी जा रही है। आज भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें घुटनों में दिक्कत है और तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें घुटनों की पीड़ा से आराम नहीं मिल रहा। घुटनों के पीछे दर्द, जिसे हैमस्ट्रिंग भी कहते हैं, आज एक बड़ी समस्या बनी हुई है। घुटने के पीछे का दर्द कई कारणों से होता है। जब घुटने की मांसपेशियों में दबाव या खिंचाव आ जाता है तब ये दर्द शुरू होता है। कभी कभी टखनों में पानी भर जाता है जिससे सूजन आ जाती है, तब ये दर्द पैदा होता है। घुटने के पीछे के दर्द का इलाज दवाइयों में कम और परहेज और शारीरिक व्यायाम से ज्यादा मिलता है। वहीं कम उम्र में घुटनों या फिर घुटने के पीछे दर्द होने की वजह विटामिन डी की भी कमी हो सकती है। इसके लिए विटामिन डी की जांच कराएं और नियमित दवा भी लें। धूप के संपर्क में बने रहना भी जरूरी है। वैसे तो पादोत्तानासन और पादागुष्ठासन जैसे कई शारीरिक व्यायाम हैं, जिनकी मदद से आप घुटनों के पीछे होने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना संभव हो तो डॉक्टरी जांच कराना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।